दिसंबर का महीना आते ही उत्तर भारत में ठंड लगातार बढ़ रही है और रात में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जा रहा है। राजधानी दिल्ली में 9 दिसंबर की रात सबसे ठंडी रही, जिसमें न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में ठंड के बढ़ते प्रकोप से बेघर लोगों के लिए काफी परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि ऐसे लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है। दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड ने बेघर लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए सराय काली खां जैसे इलाकों और एम्स अस्पताल के पास लगभग 235 पगोड़ा टेंट लगाए हैं। हर टेंट में गद्दे, कंबल, शौचालय की व्यवस्था के अलावा हेल्थ चेकअप की सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही दिन में 3 बार भोजन भी दिया जा रहा है। ये रेन बसेरा लगा हुआ है, जो पेशेंट वगैरह आते हैं उनके साथ परिवार जो होते हैं तो उनको यहाँ पे रहने के लिए जगह दी जाती है। बाकी कंबल, खाने की दिक्कत नहीं है, पानी वानी, बाथरूम सब चीज़ मतलब मिलता है यहाँ पर। 20-25 मतलब जैसे ये हमारा एक कैंप है, एक कैंप उधर आगे वाला है, मतलब 50 लोग समथिंग होते हैं। बाकी और भी है आगे, हैं 4 नंबर गेट पे। इन रैन बसेरों में साफ पानी, बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए बोर्ड ने अलग अलग सिविल एजेंसियों के साथ साझेदारी की है। खाने में दाल चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल और पर डे रोटी होती है सबके साथ, कड़ी चावल। शौचालय के लिए यहाँ पे 24 घंटा पानी भी आता है और दो जगह शौचालय बना रखे हैं, जिससे मतलब कि लोगों को भी ज़्यादा वो ना हो, और पूरा टाइम पानी भी आता है। एक तरफ 12-13 बाथरूम है, एक तरफ 12-13 बाथरूम है। इसके लिए अलग से दो तीन सफाई कर्मचारी भी रखे गए। इन रैन बसेरों के अलावा मदद पहुंचाने के लिए कई एनजीओ भी आगे आए हैं। ऐसी गाड़ियां भी लगाई गई हैं जो रोड किनारे फुटपाथों पर सोने वाले लोगों की तलाश करती हैं और उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाने में मदद करती हैं। इसके अलावा एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो रैन बसेरों की सुविधाओं के साथ ही बाकी गतिविधियों पर भी नजर रखता है। सरकार ने आम लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है। जैसे कोई रास्ते पे हमारे भाई बंधु सोए पड़े हैं या कहीं से कॉल आ जाए या जो भी हमें दिखते हैं कि हाँ ये बेघर हैं, ये रास्ते में ठंड के टाइम में रास्ते पे सो रहे हैं, उनको मैं वहाँ से उठा के यहाँ अपने सेंट्रल होम में शिफ्ट करता हूँ। नहीं, ऐसा मैं खुद भी सर्च करता हूँ, जैसे कोई जाते हैं तो ये इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं कि यहाँ पे ये व्यक्ति सो रहे हैं, आप यहाँ से इनको रिसीव कर लीजिए। वो कंट्रोल रूम में भी कॉल करते हैं, ये कंट्रोल एक्चुअली कंट्रोल रूम का नंबर है, ये यहाँ पे कॉल जाता है, हमारे पास कॉल आता है, मैं एट ए टाइम वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सोमवार की रात से भी कम यानी 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही कोहरा भी छाया रह सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।